6 साल जब मैं काम कर रहा था तभी एक डोंगरी जी महाराज का कथा रहा, भागवत कथा सूरत में आई थी। हम 4 लोग घूमते घूमते गए, ये आवाज मेरे कानों में पड़ा कथा का, मैं बहुत आकर्षित हो गया और मैं वहां बैठ गया। और रात को मैंने हमारा बॉस को बोल दिया कि मैं अभी 7 दिन काम पर नहीं आऊंगा, मेरे को कथा सुनने का है। तभी हमारा बॉस लालजी भाई खेनी था, उसने बोला अगर तू नहीं आएगा तो तू ब्रूटिंग का काम करते है, तेरे पीछे 8 लोग काम करते है, वो उसका काम अटक जाएगा। तो हमने दोनों को बैठ के रास्ता निकाला कि मैं पूरा दिन कथा सुनूंगा, शाम को आके रात तक 20 डायमंड बना दूंगा। तो रात को शाम को 6:30 बजे कथा खत्म होने के बाद मैं फैक्ट्री में जाता था, रात को 12-1 बजे तक मैं 20 बुटिंग का डायमंड का काम कर देता था, मैं 20 डायमंड बना देता था। उनका भी चल गया, हमारा चल गया। एक भागवत कथा में से मेरे को क्या मिला, बस पूरा जीवन ही मिल गया। क्योंकि डोंगरे जी महाराज ने एक सेंटेंस बोला कि आपको मान चाहिए, आपका हृदय से पूछो। हमने पूछा, आपको बोला बहुत बहुत इच्छा है मान लेने की, तो ये बोला मुफ्त में मिलेगा, क्योंकि इस सृष्टि का एक नियम है कि इस सृष्टि में आप जो कुछ दो वो आपको वापिस 2 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना मिलता है। और उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आप हिमालय में जाओ, वहां लाखों पहाड़ियां हैं, वहां जाके अगर कोई बोले कि भगवान तेरा भला करेगा तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर वहां जाके कोई बोले कि तेरा सत्यानाश होगा तो 10-20 बार आवाज आएगा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा सत्यानाश होगा। तो उसने समझाया कि ये सृष्टि का नियम है, आप दो तो आप सबको मान दो तो आपको मान मिलेगा। मैंने तो बोला मुफ्त में ट्राई कर लो। तो हमारा फैक्ट्री में हम सब लोग 15 से 25 साल का 40 लोग काम कर रहे थे, सब युवा थे, और सब मेरे को सब गोविंदा बोलते, ऐसे लालजी भाई तो लालो बोलते, कांजी भाई तो कानो बोलते, हमने सबके ऐसे लोग हम बोलते थे। मैंने दूसरे दिन जाके सबको सम्मान मान देने का शुरू किया, रिस्पेक्ट किया, आप बोलने का शुरू किया, लालजी भाई कांजी भाई, तो सब लोग मेरी मश्करी करने लगा कि एक गोविंदानु खसी क्यों से। तो मैं तो वसी तू कुछ बोलू नहीं। तो दूसरे दिन तो ये हुआ कि 1-2 महीने में सब लोग मेरा रिस्पेक्ट करने को लगा, अगर मेरा कोई मश्करी करे तो 2-3 फ्रेंड आ जाए, एक गोविंद भाई का नाम मत लेना। देखो ये 2 महीने में मुफ्त में गोविंद भाई बन गया, गोविंदा मां से। मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है। फिर मेरा छोटा भाई जो 6 साल छोटा है वो स्कूल में पढ़ता था, उनको भी मैंने आप बोलने का शुरू किया। उससे बढ़त बढ़त पूरा दुनिया में मैंने आज तक 50 साल में किसी को तू नहीं बोला, छोड़कर मेरी वाइफ, मेरा बेटा बेटी, दामाद, क्योंकि वो लोग ने विरोध बहुत जोरदार किया था, मीटिंग किया, इसलिए ये सब लोग को अभी तुकारा से बुलाता हूं, बाद में किसी को नहीं। तो उसका फल क्या मिला कि 50 साल में किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, ये मेरे जीवन सार्थक हो गया।